भोजपुरी सिनेमा की ताजा तरीन खबरों के लिए बिंदास भोजपुरिया के साथ जुड़े ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी के निशान पर क्लिक करें। बिंदास भोजपुरिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, मतलब सारी खबरें मुफ्त में पाएं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अरे क्या मजा है। बहुत ही अच्छी फिल्म है, जैसा कि फिल्म का नाम है जवाज, और तीन हीरो का तो मुझे पता नहीं, मुझे मेरे हीरो के बारे में पता है जो सत्येन जी है, और अच्छे इंसान के बारे में पता। अच्छे, बहुत अच्छे इंसान के बारे में पता है, अवधेश जी के बारे में। बहुत ही एक अच्छा और प्यारा कॉन्सेप्ट है जवाज, और बहुत ही अच्छी टीम बनी है, और बहुत ही अच्छी स्टोरी है, तो देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। अच्छा जी, आप कह रही थी बहुत अच्छे इंसान थे, मुझे बात कम और ताना थोड़ा ज्यादा लगा। बस बिल्कुल सही पकड़ा है आपने वो ताना ही ज्यादा है, बात कम है। नहीं, हमारी विशेषता ही ज्यादा बताती नहीं है, विशेषण इनके लिए काफी है कि बता दिया कि बहुत अच्छे इंसान है, विशेषता नहीं बताएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही अच्छे इंसान है। आप लोगों को जैसे फिल्मों में दिखते हैं अब वैसे नहीं रहे हैं, अब अवधेश जी बहुत बदल गए हैं, और ये बदलाव सिर्फ कैमरे के लिए ही है। ये तो मुझे भीगो के मार रही है। नहीं, रियल लाइफ में बहुत बदलाव है, वो दिख करके लगता होगा कि बाकी तो हम क्या कहें। दो नए लड़के लॉन्च हुए हैं इसमें साथ, एक आलम राज है जो कि बड़े फेमस सिंगर है, और दूसरा विवेक है जो कि विकी 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 बगुआ, ये भी फेमस सिंगर है। जी हाँ, सॉरी जी, बिल्कुल मैं अपने शब्द को वापस लेती हूँ, और मैंने अभी पोस्टर में देखा, मुझे जो बताया गया था इसमें और भी हमारे दो हीरो हैं, तो उन लोगों को बहुत बहुत बधाई। एक अच्छी टीम के साथ में हम लोग एक यूनिटी के साथ में इस फिल्म में काम करेंगे, और एक अच्छा आउटपुट हम अपने दर्शकों को देंगे, तो उन दोनों को ऑल द बेस्ट। साथ में की है, बट हम लोग को आर्टिस्ट नहीं रहे हैं, फर्स्ट टाइम एज एन हीरो साथ में है। जी, हम लोग लवारिस और देवरा पे मनवा डोले किए थे। जी जरा बताइए इस फिल्म के बारे में मुझे, कब तक आपको बताया गया होगा कि कब तक शुरू हो रही है फिल्म, आगे क्या प्लान है? ये फिल्म मेरे ख्याल से मई में फ्लोर पे जारी है, और इस फिल्म की शूटिंग झारखंड या यूपी में हो सकती है। अभी लोकेशन डायरेक्टर फाइंड कर रहे हैं, जैसी भी फिल्म में लोकेशन की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे उसको फाइनलाइज करेंगे। आपने भी कहा कि मिश्रा जी थोड़े बदल गए, अवधेश जी थोड़े से बदल गए, आपको कोई बदलाव नजर आता है इनमें? सर, इससे ज्यादा बदलाव क्या नजर आएगा कि हम दोनों इतने करीब बैठे फिर भी कितना गैप है, देखिए। राइट, लेकिन वैसे देखा जाए तो अवधेश जी वाकई में बहुत अच्छे इंसान है। सर, मैं पहले भी बदला हुआ था, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, एक मेरी सोच है कि बुरा हो भले ही सही, बुरा दिखो मत। तो पहले बुरा दिख जाता था, अब शायद बुरा हूँ भी अंदर से, लेकिन दिखना नहीं चाहता हूँ, तो बिल्कुल बुरा नहीं दिखूंगा मैं। इन्होंने देखिए अपनी बात को माना। हाँ, नहीं, अंजना जी की बात, और दबाना ही, और ये अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। अभी लोग पॉइंट आउट नहीं करते हैं, अभी पॉइंट आउट नहीं करते। हाँ, पहले किसी के बारे में अच्छा भी सोचता था तो लोग को लगता था यार इसकी आंखें बुरी हैं, इसका ये देखने का तरीका बुरा है, तो सारे तरीकों को मैंने बदल दिया, चश्मा ही पहन लिया, रंगीन चश्मा, तो दुनिया ही अच्छी दिखे, अच्छी दिख रही है। बाकी अभी मेरी फिल्म जो रिलीजिंग पे है वो लव एक्सप्रेस है, और एक बहुत ही प्यारा फिल्म, उसमें भी मैं ही हूँ, उसमें भी आप ही हैं, मेरे पिता बने हैं। कितना शरीफ इंसान हो। बहुत शरीफ इंसान है, नहीं, नो डाउट, उस फिल्म में बहुत शरीफ बने हुए हैं, और मेरी आने वाली फिल्म जिसका मैं वेट करी, लव एक्सप्रेस है, और खुददार है, गिरफ्तार है, और नागराज है,
अभी रिसेंटली आज ही से मेरी एक फिल्म की शूट स्टार्ट हुआ है, मुन्ना मवाली। ये सब फिल्में हैं मेरी फ्लोर पे रिलीजिंग के लिए हैं। सबसे पहले सब भोजपुरी श्रोता समाज के हम आलम राज चरण छू के प्रणाम करत हनी। ये फिल्म के सिलसिला लगभग 2-3 साल से चलता, लेकिन पहला बार हमने के गार्जियन स्वरूप माननीय बड़ भैया दिलीप सिंह जेकर आशीर्वाद से इतना महान महान कलाकार के सन है पहला बार ऐसा मौका मिलल बा। हम जब बच्चा रही तो देखल रही गार्जियन स्वरूप कुणाल चाचा बनी, तो वहाँ के रही तो वहाँ के फिल्म हम देखल रही बहुत बचपन में। तो बाद जब से अमरीश पुरी जी मुँह ली जब से डेट भर तब से हमारा फीले ना भैया कि अमरीश पुरी क्यों नहीं है। जो भी हमारे भोजपुरी के श्रोता और दर्शक हैं उन सबों को लाखों बार गोर छू के प्रणाम कर रहा हूँ। और सिंगर तो मैं लगभग 2009 में सुर संग्राम में था, पार्ट वन जो सुर संग्राम आई थी साइलेंस प्लीज साइलेंस, उसमें मैं था, थर्ड रनर अप था पूरे देश में बिहार से। और आज जो ये फिल्म की बात है तो सर 10-12 साल हो गया स्ट्रगल करते हुए, बस एक यही सपना था, आज वो शुभ दिन है। मेरे छोटे भाई सत्येंद्र इस फिल्म के नायक हैं, नया चेहरा आलम राज और हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत खूबसूरत और मेहनती नायिका अंजना हैं, अवधेश जी हैं, तो कुल मिलाकर एक सशक्त टीम है इनके पास, ज़रूर एक अच्छी फिल्म बनेगी। एक फैमिली ड्रामा और एक्शन थ्रिलर फिल्म है, फैमिली ड्रामा के साथ एक्शन का कॉम्बिनेशन पिछले काफ़ी टाइम से हमारी इंडस्ट्री में चल रहा है, लेकिन ये एक अलग तरह की फिल्म होगी, बहुत ही मज़ेदार मसालेदार, हर चीज़ कमर्शियल ड्रामा है, कुछ बहुत कुछ नया नहीं है लेकिन प्रेजेंटेशन नया रहेगा। ये मेरा वादा है कि जो प्रस्तुति रहेगी फिल्म की वो बहुत ही यूनिक रहेगी। पहले तो मैं दिलीप सिंह तो सबको नमस्कार और प्रणाम। विशेष हम क्या बोले, बात है कि सिर्फ आशीर्वाद और प्यार मोहब्बत हमको बनाए रखिए। मैं हूँ जब हम हैं जब आज, ये फर्स्ट मेरा फिल्म है, सिर्फ आशीर्वाद मोहब्बत बनाए रखिए, वही मुझे चाहिए और कुछ नहीं।